Hi learners, this is Alisha Mahajan from Mon Academy and this is the fourth part on higher education. यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, बेसिकली ना मैंने मंथ वाइज ना इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए क्या बनाया था, करंट अफेयर्स बनाए थे. तो उसमें हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट वाले न्यूज है ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, सो साथ साथ हम उनको शेयर करते हैं सो दैट आपको भी ये इसका बेनिफिट मिल सके. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको भी ध्यान से देखें इस पेपर में, क्योंकि करंट अफेयर हायर एजुकेशन पर आ ही रहा है. सो पहला देख रहे हैं स्क्रीन पर, सीबीएसई ने लॉन्च करी है शिक्षा वाणी ऐप. ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई लॉन्च द न्यू पॉडकास्ट ऐप. इसे हम यहां से, वेट अ सेकेंड, अरे या देख सकते हैं आप इसको, रिवाइज कर लीजिए. पॉडकास्ट ऐप का नाम क्या है, सीबीएसई ने जो लॉन्च करी है शिक्षा वाणी ऐप, ताकि वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को तो दे सके, उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी दे सके. सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए सीबीएसई ने लॉन्च करी है. ठीक है, उसके अलावा भी हमारे इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ थी, जिनको ये बाकी सारी न्यूज़ भी चाहिए होंगी उनको, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं. कहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके पास नंबर नहीं है ग्रुप में नहीं है, they can message me here. So, देखो, GST Council ने अप्रूव करा है ट्रांजिशन प्लान फॉर न्यू GST रेट्स. ठीक है, ये भी आपके पेपर वन में भी आ सकता है आराम से. ठीक है, सो GST Council अप्रूव्ड अ ट्रांजिशन प्लान फॉर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज रेट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अंडर द डेवलपर्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इन सब के इन्होंने करा है, तो ये आपको रिवाइज कर लेने हैं. इसके अलावा मैथमेटिशियन, ये भी एडुकेशन से रिगार्डिंग है, कई बार इंटरनेशनली भी न्यूज आ सकती है. ये उलेन बैक फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने विन एबल प्राइज, अभी मन करना है नोबेल प्राइज होता है, एबल प्राइज भी होता है. ठीक है, सो उनका नाम क्या है, प्रोफेसर कैरन उलेन बैक, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में है. ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एबल प्राइज को विन करा है. ठीक है, 76 ईयर ओल्ड वुमेन है ये, और या इन्हें $7 लाख कैश अवार्ड भी मिला है. ठीक है, मोबाइल ऐप, ये अब ये एडुकेशन से रिगार्डिंग आ गया. कॉन्कर एग्जाम बी अ वॉरियर, ये किसने डेवलप करा है, IIPHG. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर ने कोलैबोरेशन करी थी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ऐप डाउनलोड मतलब बनाई है, कॉन्कर एग्जाम, एग्जाम को हराए, वॉरियर वॉरियर बने, ताकि वो एग्जाम के प्रेशर को रिड्यूस कर सके. इसमें आपको पूरा मिलेगा, वीक पॉइंट्स जानने को मिलेंगे और एग्जाम का प्रेशर को कैसे ओवरकम करना है ये भी पता लगेगा. ठीक है, ये लिटरेसी से रिगार्डिंग है. ठीक है, इसको हम ये कर सकते हैं. अब ये देखो, एक हमारा ये कौन से मंथ का ये हो गया हमारा, वेट अ सेकेंड, यस. सो इसको आगे मैं आगे फर्दर पार्ट्स में भी डिवाइड करूंगी. अभी जो हमें मिल रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग मैं आपको करवा देती हूँ. जैसे इसमें एक ये वाली न्यूज पढ़ लीजिए, यूजीसी ने क्या सेटअप करा है, क्योर. ठीक है, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स. ठीक है, ये क्योर उसने, वेट अ सेकेंड, इसको भी पूरा खोल लेते हैं. या कंसोर्टियम फॉर, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स क्योर, अ गुड क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स इन डिसिप्लिन लाइक सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स, कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी मेंटेन्ड. कौन मेंटेन करेगा इन्हें, क्योर, ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, इसमें क्या दिए होंगे, सिर्फ क्वालिटी जर्नल्स दिए होंगे एंड ये अकेडमिक पर्पज के लिए होंगे, याद रखना, अकेडमिक पर्पज के लिए. ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट करी गई है इसके लिए कमेटी, चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर बी बलराम, ताकि वो देख सके, क्वालिटी को देख सके कि जो रिसर्च कर रहे लोग, PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी में कोई खराबी तो नहीं है. सो उस तरीके के अप्रूव्ड रिसर्च के बारे में ये सारा इसके अंदर आएगा. लिख लीजिए एक बार, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स क्योर, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पेपर में पूछी जा सकती है. ठीक है, सो यस, ये वाली न्यूज थी इस पर्टिकुलर, ये हमने ये वाली न्यूज कर ली एंड नाउ दिस.
नीति आयोग साइंड देखो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इंटेंशन विद MSDF टू सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आप। देखें नीति आयोग और माइकल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसे बोलते स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ताकि वो ज्यादा प्रैक्टिसेस कर सके, पब्लिक स्कूल्स की लर्निंग को और अच्छा सा बना सके, क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूल्स में इतना अच्छा नहीं अभी एक्सपीरियंस है। ठीक है, इनमें साइन हुआ है कौन कौन है ये, अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग के एंड मिस्टर अलोक कुमार एडवाइजर, इनके बीच में ये करा गया है। ठीक है, ताकि हम कॉपरेशन कर सके और जो पब्लिक एजुकेशन है उसको और बना सके, अच्छा बना सके। ठीक है, सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हमारा, ये हो गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये कर लीजिए, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उसके अंडर आ सकता है ये। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तेरी को इनॉग्रेट किया है वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में। द थीम ऑफ इसका क्या था, WSDS का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग अवर प्रॉमिस। फ्रैंक बैनमरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी वॉज ऑनर्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2019 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फिजी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये हमने कर लिया है, या दिस इज डन, ये भी हमने कर लिया है। एक बार मेरे को कंफर्म करने दो, जो आपकी स्क्रीन पर है हमने सारे कर दिए हैं ना, दिस इज ऑल्सो डन। या ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं और लेटेस्ट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।